आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। महाराष्ट्र में एक तरफ सचिन बाजे और देशमुख ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएस रश्मि शुक्ला की चिट्ठी बम से भी सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। खबर यह है कि रश्मि शुक्ला के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने उद्धव ठाकरे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें हम दिखा दें जिनसे अब ये पुख्ता होने लगा है कि एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर केस में सचिन बाजे ही मुख्य आरोपी है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है? कहीं सचिन बाजे महज मोहरा तो नहीं? कहीं उसका गॉडफादर कोई और तो नहीं? कहीं किसी और के कहने पर सचिन बाजे ने ये पूरा खेल तो नहीं रचा? क्राइम सीन पर पहुंचकर एनआईए ने जांच की है। सचिन बाजे को अपने साथ ले जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। साथ ही अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सचिन बाजे और मनसुख हिरेन एक साथ दिखाई दिए हैं, जिससे बार बार ये साफ हो रहा है कि सचिन बाजे लगातार इस केस को भटकाने की कोशिश करता रहा, झूठ बोलता रहा। अब एनआईए सीन को रिक्रिएट करके देखना समझना चाहती है कि सचिन बाजे ही क्या इस पूरी घटना में मुख्य आरोपी है, और फिर ये जानना होगा कि किसके कहने पर यह हुआ। लेकिन सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर एक ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सचिन बाजे का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि 17 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे के आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें सचिन बाजे नीले रंग की मर्सिडीज में दिख रहे हैं जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। थोड़ी ही देर में मनसुख हिरेन सड़क पार कर उस मर्सिडीज में बैठ जाते हैं और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लिहाजा जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मुलाकात के दौरान ही मनसुख ने स्कॉर्पियो की चाबी बाजे को सौंप दी थी, और प्लान के मुताबिक अगले दिन यानी 18 फरवरी की शाम 5 बजे विक्रोली थाने में मनसुख ने स्कॉर्पियो चोरी की रिपोर्ट लिखवाई, जो वही स्कॉर्पियो थी जिसमें विस्फोटक रखकर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने पार्क की गई थी। लिहाजा यह साफ हो गया कि वाजे और मनसुख हिरेन लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे, और सूत्रों के मुताबिक राज खुलने के डर से 4 मार्च को मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई, क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 मार्च को वाजे ने फोन करवाकर मनसुख हिरेन को मिलने बुलाया और बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और फिर मनसुख की हत्या कर ठाणे की मुंब्रा खाड़ी में फेंक दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये कि आईपीएस रश्मि शुक्ला टैप मामले को लेकर जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दी है। रश्मि शुक्ला ने टैपिंग की जानकारी सरकार को नहीं दी थी, ये रिपोर्ट में साफ कहा गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कोरोना काल में फोन टैपिंग की गई रश्मि शुक्ला के जरिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हुए, जिसमें प्राइवेट लोगों की रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं बताया गया लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग होती रही गलत तरीके से। रश्मि शुक्ला ने यह भी बताया कि टेलीग्राम एक्ट के तहत रिकॉर्डिंग टेप में बताए गए सभी अफसरों के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। जो रश्मि शुक्ला ने जानकारी दी थी, जिन जिन अफसरों के ट्रांसफर को लेकर जानकारी दी थी, उन सभी के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया ट्रांसफर जो हुए हैं वो मेरिट के आधार पर हुए हैं, ये मुख्य सचिव के जरिए रिपोर्ट में उद्धव ठाकरे को बताया गया है। इसमें यह भी जानकारी है कि 25 फरवरी से लेकर 26 जून के बीच में टैपिंग हुई है, और इसी बीच मेरिट के आधार पर 13 आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। जबकि रश्मि शुक्ला ने यह कहा गृह मंत्रालय में जो 6 से 7 एजेंट होते हैं उनका काम यही होता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले जाएं, जिसके बाद मन मुताबिक पोस्टिंग और जगह अधिकारियों को मिलती रही थी। इसी बीच टैपिंग को लेकर भी रश्मि शुक्ला घिर गई हैं। अब मुख्य सचिव ने रिपोर्ट फाइनली उद्धव ठाकरे को सौंप दी है। शुक्ला मैडम, उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रश्मि शुक्ला मैडम उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। आप अलग अलग पार्टी का अलग अलग रिएक्शन इसमें सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में कैसे भूचाल आया हुआ है, हम आपको आगे सुनवाएंगे किसका क्या कुछ कहना है। साथ ही हमारे साथ अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन रश्मि शुक्ला के लेटर को लेकर कैसे बवाल अभी तक मचा हुआ है, कैसे रश्मि शुक्ला के गंभीर आरोप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ अब तक हुआ है आप जानिए। परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद ही भूचाल और बढ़ गया। अपनी अर्जी में भ्रष्टाचार की एक और शिकायत का जिक्र भी किया गया। शिकायत अगस्त 2020 की है, जो कि रश्मि शुक्ला ने सरकार से की थी।
अब ऐसे में स्टेट इंटेलिजेंस विभाग की उस समय की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ही रही, जो कि कह रही है कि दलालों के जरिए पुलिस अफसरों को मनचाही पोस्टिंग दी जाती थी और इसमें करोड़ों की वसूली होती थी। दलालों का नेटवर्क राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करता था, ये रश्मि शुक्ला ने कहा। पोस्टिंग के बदले पुलिस वालों से बड़ी रकम वसूली जाती थी, उसके बाद मनचाही पोस्टिंग और जगह मिल जाती थी। रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक से इसकी शिकायत की थी, लेकिन रश्मि शुक्ला को इंटेलिजेंस विभाग से इसी शिकायत के बाद हटा दिया गया। परमवीर सिंह का आरोप है अनिल देशमुख ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत मिलने के बावजूद 25 अगस्त 2020 को रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को खत लिखा था, आरोपियों से फोन सर्विलांस पर लिए गए थे। ये रश्मि शुक्ला की तरफ से जानकारी मिल रही है। कहा गया कि एक लिफाफे में सर्विलांस ट्रांसक्रिप्ट को भी दी गई थी। रश्मि शुक्ला ये भी जानकारी दे रही है। रश्मि शुक्ला बता रही है कि प्रूफ था, क्योंकि पोस्टिंग और लोकेशन को लेकर करोड़ों की वसूली अधिकारियों के जरिए हुई और सभी के कनेक्शन गृह मंत्रालय से हुए। जब इसकी जानकारी दी गई अफसरों को तो कोई कार्रवाई न होते हुए उल्टा रश्मि शुक्ला को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब ये भी जान लीजिए कि कौन है रश्मि शुक्ला जो इतना सवाल उठा रही है। रश्मि शुक्ला साल 1988 के आईपीएस बैच से हैं। रश्मि शुक्ला सीआरपीएफ में एडीजी हैं, इससे पहले वो डीजी सिविल डिफेंस के पद पर रही। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर होने के दौरान उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर शिकायत की थी। रश्मि शुक्ला पुणे पुलिस कमिश्नर का पद भी संभाल चुकी हैं, बड़े पदों पर बड़ी जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं और इसीलिए रश्मि शुक्ला के आरोपों में गंभीरता नजर आती है और इसीलिए इस मामले की जांच भी चल रही है। रश्मि शुक्ला की क्या कुछ भूमिका अब तक रही ये भी जानिए। इंटेलिजेंस कमिश्नर रहते हुए रश्मि शुक्ला ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स की थी। कॉल रिकॉर्डिंग्स के आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो कि बहुत गंभीर और संगीन है। रश्मि शुक्ला ने इसकी शिकायत एसीएस और डीजीपी से भी की थी। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी दे दी गई। देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया गया, हाथ धोना पड़ा। दावा यह भी हो रहा है कि इसे लेकर रश्मि शुक्ला ने माफीनामा भी दिया था, ये बताया था कि माफी मांगती हूं, गलती हो गई, और जिसके बाद रश्मि शुक्ला को छोड़ दिया गया था। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जानकारी मिल रही है। अब इस पर अब क्या कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है ये हम जानने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता हैं संजय द्विवेदी साहब, हमारे पास बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, एनसीपी की तरफ से महेश तापसी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी, शमशेर खान पठान साहब पूर्व एसीपी हैं मुंबई पुलिस में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल संजय द्विवेदी साहब आपसे ही है, महाराष्ट्र सरकार में ये चल क्या रहा है? आरोपों की जैसे लंबी झड़ी है और विपक्ष पूरी तैयारी करके बैठा है। आप कह रहे हैं विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है, लेकिन इतने सारे आरोप निराधार तो नहीं हो सकते? रचना जी, मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ एक करके। देखिए, पहली बात तो यह है, महाविकास अघाड़ी सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी और अगले 15 साल तक ये काम जनता के आशीर्वाद से चुनकर दोबारा आएगी। दूसरी बात, जहाँ देवेंद्र फडणवीस की बात है, भाजपा की जहाँ बात आती है, वहां जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे जबरदस्ती सुबह 5 बजे और एक दिन बाद हट गए, तो उनके दिल में फड़फड़ाहट है, उनके दिल में कसक है ये कि हम क्यों नहीं बन पाए। पहली बात तो देखी गई है। दूसरी बात, जहां तक रश्मि शुक्ला की बात आप कर रही हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक ही स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे किसी ने शिकायत की हो। आप गुजरात देखिए, संजीव भट्ट ने शिकायत की थी आईपीएस से, तमाम बेटरों ने, उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, तमाम बेटर उनको दिए गए, वो उसके बाद जेल चले गए थे। जेल क्यों गए इसका जवाब आज तक नहीं मिला। ऐसे उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, वहां भी एक आईपीएस लेटर दिया था कि यहाँ पे कि जो पोस्टिंग होती है उसके बकायदा बटे हुए पैसे बटे हुए हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र कोई अलग राज्य ऐसा नहीं है जहाँ ये सब हो रहा है, ऐसे तो और भी राज्य हैं और आपने सबसे पहले गुजरात का एग्जांपल दे दिया। अरे भाई सुन लीजिए, मैं पूरी बात आप सुन तो लीजिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि अभी मुख्य सचिव जी ने जो रिपोर्ट दी है कि ऐसी पोस्टिंग कोई नहीं हुई, तो इसके मतलब रश्मि शुक्ला ने जो शिकायत की वो शिकायत गलत निकल गई। अब एक बार ये पहले भी माफी मांग चुकी है, तो ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काने में इस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि खाकी और खादी ये दोनों का मिलाप बहुत तेजी से रहता है, ये दुनिया को मालूम है, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश। चूंकि आपने कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस फड़फड़ा रहे हैं दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो अनिला जी को जवाब देना चाहिए। अनिला जी, संजय राउत कह रहे हैं कि गंदी राजनीति विपक्ष कर रहा है, ऐसा है क्या? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसीलिए आरोप लगा रहे हैं? आप जवाब दीजिए। तो सारे नजर आते हैं, जो यही हाल हो गया इसका महाविकास अघाड़ी सरकार का, जो ना तो वहां है ना विकास कर रही है ना ही अघाड़ी। तो
सीधी सी बात है, चाहे वो आप आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का विषय हो, चाहे परमवीर सिंह का विषय हो, चाहे ये सचिन राजे का विषय हो, सीधी सी बात है, महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। और अगर रश्मि शुक्ला शिकायत करती हैं ये इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है, एक इंडस्ट्री चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री जो चल रही है, अक्सर देखा गया है कि जहाँ करप्ट सरकारें होती हैं ये ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चलती है, तो महाराष्ट्र में भी चल रही थी। तो अगर उसका सबूत के साथ अगर वो देती है, एक रिपोर्ट देती है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। ये डिफेंसिव क्यों हो रही है ये सरकार? तो सीधी सी बात है, उनको मुख्यमंत्री जी को आगे से आकर कहना चाहिए था कि भाई ठीक है, अगर जो भी इसमें लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं उसकी जांच होगी और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। पर मैं ये देख रही हूँ कि ये सब कुछ ना होते हुए बेहद डिफेंसिव एक एटीट्यूड लेते हुए रश्मि शुक्ला के ऊपर ही प्रहार करने लगे हैं। आपका तो स्वागत करना चाहिए कि भी आपकी मदद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे सामने तो आए, उद्धव ठाकरे अपना कोई तो स्टेटमेंट दें। महेश जी, शरद पवार मीडिया के सामने आते हैं, अनिल देशमुख को एक तरीके से डिफेंड भी करते हैं और कहते हैं सरकार को कोई खतरा नहीं है, कोई संकट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने सामने दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर खाने कुछ ठीक नहीं है? उद्धव ठाकरे से नाराजगी आप लोगों की भी है? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार तीन पार्टियों की सरकार, इसमें किसी भी प्रकार का मन मुटाव महेश जी, या किसी के मन में